24 घंटे पानी में रहने वाली मछलियों को भी सर्दी के मौसम में ठंड लगती है। ठंड लगने से हमारी मछलियाँ बीमार हो जाती हैं। नवंबर दिसंबर और जनवरी तक मछलियों को ज़्यादा ठंड लगती है। इस दौरान मछलियों को बीमारी से बचाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मछलियाँ भी ठंड से बचने के लिए तालाब में अपनी जगह बदल लेती है और तालाब के निचले हिस्से में रहना पसंद करती है, क्योंकि तालाब की ऊपरी सतह का पानी ठंडा हो जाता है और तली का पानी सामान्य होता है। लेकिन तालाब की तली में ज़्यादा समय बिताने के चलते मछलियों में कई तरह की बीमारी भी होने लगती है। ऐसे कंडीशन में एपिजियोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम EUS नामक बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे लाल चकते वाली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्प मछलियों के साथ साथ तालाब में पल रही बाकी मछलियों को भी प्रभावित करती है। समय रहते इसका उपचार नहीं करने पर कुछ ही दिनों में पूरे तालाब की मछलियां संक्रमित हो जाती हैं और बड़े पैमाने पर मछलियां तुरंत मरने लगती है। तो आइए जानते हैं हमारी मछलियों को इस बीमारी से बचाने के क्या उपाय हो सकता है। इसके लिए तालाब में 200 केजी बूझा हुआ चूना प्रयोग करने से मछलियों में यह बीमारी नहीं होती है, और यदि हो भी जाए तो इसका प्रभाव कम होता है। जनवरी के बाद वातावरण का तापमान बढ़ने से यह अपने आप ठीक हो जाती है। सीफा भुवनेश्वर द्वारा इस रोग के उपचार के लिए एक मेडिसिन तैयार की है, जिसे सीफेक्स के नाम से मार्केट में मिल जाता है। इस मेडिसिन में 1 लीटर सीफेक्स 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। इसे पानी में घोलकर तालाब में छिड़काव कर सकते हैं। गंभीर कंडीशन में हर 7 दिनों में एक बार इस मेडिसिन का छिड़काव करने से काफ़ी हद तक इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। घरेलू उपचार में चूना के साथ हल्दी मिलाने पर अल्सर घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए चूना 40 केजी और हल्दी 4 केजी पर एकड़ की दर से मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं।